धारा 370 कारक है, जिसे आजादी के बाद कोई सरकार नहीं अपन हटा पाई, जिसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की और प्रखर राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता थी, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के उस फैसले का समर्थन और अभिनंदन करने की बजाय दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में बैठे श्री अरविंद केजरीवाल इस एक देश के हित में ले गए निर्णय का विरोध करते हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों को पीड़ा भी होती है तब जब देश के हित में कोई निर्णय होते हैं। मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं, ये शाहीन बाग के जो धरने हैं ये तो एक बहाने हैं, इनको विरोध तो करना था कश्मीर की धारा 370 को हटाने का, इनको विरोध करना था अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है उससे परेशान है। इनकी परेशानी को हम समझ सकते हैं, इनकी परेशानी का राज छिपा हुआ है 3 तलाक की कुप्रथा को बैन लगाने पर। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब समझे, 5 वर्ष में केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर पाठशाला तो नहीं दे पाई, लेकिन हर मोहल्ले में मधुशाला जरूर खुलवा दी है। 5 वर्ष में दिल्ली के अंदर हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का जो वायदा किया गया था वह तो नहीं दे पाई, लेकिन यमुना जी के पानी को और जहरीला बना करके अपनी ही तरह दिल्ली वासियों को खांसने के लिए मजबूर कर दिया है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये लोग कैसे उपद्रव को भड़का रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जगह जगह आगजनी करके जामिया मिलिया के क्षेत्र में आपने देखा होगा कैसे आगजनी को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, कैसे देश को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब सीएए को लेकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, किसी सामान्य नागरिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। हमने उनसे वसूली प्रारंभ करवा दिया। और भाइयों बहनों, ये लोग आज घबरा करके हर प्रकार से विरोध करने पर उतारू हो गए हैं, और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इस चुनावी समर में आया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस हो या केजरीवाल, ये अपने विघटनकारी मनोवृत्ति, विनाशक योजनाओं के साथ भारत विरोधी नक्सली तत्वों को समर्थन करने की अपनी कुत्सित मंशा के साथ इस चुनावी समर में फिर आधमक पड़े हैं। भाइयों बहनों, देश की आस्था का सम्मान कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में आपके यहां से बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा में जाते होंगे, और कांवड़ यात्रा में आपने देखा होगा 2017 के पहले कांवड़ यात्रा में कोई जाता था वो बेचारा भक्ति बाद में करे, पहले उस पर पुलिस के डंडे पड़ते थे, वहां पे डीजे नहीं बजाने दिया जाता था, संघ नहीं बजाने दिया जाता था, घंटा नहीं बजाने दिया जाता था, घड़ियाल नहीं बजाने दिया जाता था। सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने की बजाय लोगों को परेशान किया जाता था। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और मैंने एक ही बात पूछी कि आखिर कांवड़ यात्रा की व्यवस्था क्या है, तो मुझे बताया गया कि साहब इसमें ये डीजे नहीं बजेगा, घंटा संघ नहीं बजेगा। तो मैंने तब भी कहा था कि भाई देखो, एक कांवड़ यात्रा है, शिव भक्तों की यात्रा है, ये भक्ति के साथ भजन गाते हुए जानी चाहिए, डीजे को परमिशन मिलनी चाहिए, संघ बजाने देना चाहिए, घंटा घड़ियाल बजाने दो, और साथ साथ उनके
स्वागत की तैयारी भी करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करो। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। मैंने कहा भी देखो, हमारे यहां जब कोई भक्ति में रमता है तो वह दंगा फसाद में विश्वास नहीं करता। हम दंगा फसाद नहीं करते, हम हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर मत हर मजहब का अनुयायी जब पूजा पाठ कर सकता है, अपना मजहब के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न कर सकता है, तो कावड़ यात्रियों पर हमला करने का मतलब क्या? जो हमला करेगा तो फिर गोली से नहीं, उसको पुलिस की गोली समझाने का कार्य कर देगी। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक तरफ आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर 1731 उन अनऑथराइज कॉलोनियों को नियमित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का फैसला। मैं जानता हूं अनऑथराइज कॉलोनियां थी, उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता था, उन्हें शासन की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। ये लटके हुए तार न जाने कितनी निर्दोष लोगों की जान ले लेती थी। केजरीवाल को इसकी चिंता नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी को चिंता हुई, उन्होंने 1731 कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश भी जारी कर दिया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हर गरीब के पास होगा उसका अपना मकान। ये लटकते हुए तार अंडरग्राउंड हो जाएंगे, सड़कें चौड़ी होंगी और हमेशा के लिए दुर्घटना का समाधान हो जाएगा। यमुना का जहरीला पानी नहीं बल्कि गंगा नहर का मीठा पानी दिल्ली वासियों को पीने के लिए मिलेगा और दिल्ली के अंदर यमुना भी गंगा जी की तरह शुद्ध और सुंदर होगी। यही कहने के लिए आज आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी को यह सब अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो शाहीन बाग को प्रायोजित करने और शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने से ही फुर्सत नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली वासियों को तय करना है कि दिल्ली के विकास के लिए, सुशासन के लिए और दिल्ली में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग की बिरयानी खाने वाले लोगों को खिलाने वाले लोगों की सरकार चाहिए। हर दिल्लीवासी परेशान है शाहीन बाग जैसी घटनाओं से और इसलिए मेरा आप सबसे अपील है, श्री रामवीर सिंह बिदोड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं श्री रामवीर सिंह बिदोड़ी जी को, थर्ड विधानसभा चुनाव ये दिल्ली के सबसे अच्छे विधायक थे और विकास की एक योजना जब रमेश जी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे तो ये बदरपुर क्षेत्र दिल्ली का सबसे सुंदर और सबसे समृद्ध क्षेत्र बनेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप सबसे अपील, 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, कमल का चुनाव चिन्ह, कमल निशान पर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बना करके किसी भी प्रकार की समाज विरोधी, विकास विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। यही अपील करते हुए मैं देता हूं पानी को विराम। जय जय श्री राम।